दोस्तों आप लोगों को कभी भी फटे दूध को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक लाभ हैं जो आप इसके इस्तेमाल से पा सकते हैं। उन्हीं के बारे में जानकारी आप इस वीडियो में पाएंगे, तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखते रहें। दूध फटने के बाद जो पानी बचता है उसे कभी ना फेंकना चाहिए, क्योंकि ये पौष्टिक होता है और आपको ढेर सारे काम आ सकता है। आप इसे आटे को गूंदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे दाल सूप में डाल सकते हैं, या फिर बाल धोने के लिए भी काम में आ सकता है। इस पानी में ढेर सारा प्रोटीन है, इसमें कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे मांसपेशी को ताकत मिल जाती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, कैंसर और HIV जैसे रोगों से बचा लेती है, लो ब्लड प्रेशर ठीक करती है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाना भी इसका एक महत्वपूर्ण लाभ है, मोटापा घटाना, पेट ठीक रखना और किडनियों को स्वस्थ रखना आदि बहुत सारे लाभ हैं जो आप इसके पानी से पा सकते हैं। तो इसलिए इसके पानी को कभी ना फेंकें, इसका इस्तेमाल की सही विधि जान लें और इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ये प्रोटीन पाने का एक प्राकृतिक तरीका है। इसको आहार में शामिल करने से शरीर पर कोई बुरे प्रभाव नहीं पड़ते, इसलिए हमारा सुझाव है कि अगर दूध फट जाए तो उसे फेंकने की बजाय उसके पानी का इस्तेमाल आपको कुछ एक घरेलू तरीकों से करना चाहिए। उनमें सबसे पहला इस्तेमाल है आटे को गूंदने के लिए करें। जी हाँ, पानी की जगह फटे दूध के पानी का इस्तेमाल आटे को गूंदने में करें। इससे आपकी रोटियां या पराठे नरम बनेंगे और प्रोटीन से भर जाएंगे। आप इसे खेपला या अन्य आटे में डालकर रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसका फल या सब्जियों के जूस में मिक्स करें। अगर आप हर सुबह जूस पीते हैं तो उसमें पानी की जगह इसे मिलाएं। इससे एक हल्का सा टेक्सचर भी आपको स्वाद में मिलेगा और इससे लाभ भी बहुत सारे हैं। आप इसको ग्रेवी में भी मिक्स कर सकते हैं। कई सारी ग्रेवी में खट्टा स्वाद पाया जाता है, जो कि ज़्यादातर टमाटर, अमचूर, इमली, दही या कोकम के इस्तेमाल से मिलता है। आप इस पानी का इस्तेमाल करके खट्टेपन को कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उपमा में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इससे बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी हैं। इस पानी का हल्का फ्लेवर होता है, इसमें उपमा में मिलाने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अगर आप उपमा में टमाटर या दही मिलाते हैं तो उसे ना मिलाएं, बल्कि फटे दूध के पानी को मिलाएं। इससे बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक लाभ मिलेंगे। आप चावल या पास्ता व सब्जी पकाएं तो इसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में पानी बच गया है तो उसे चावल, पास्ता या सब्जी पकाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। सूप में भी इसको मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप बनाते वक्त स्टॉक या पानी की जगह इसे डालकर आप इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसके आयुर्वेदिक लाभ में एक लाभ है, बालों को धोया जा सकता है इससे। बालों को शैम्पू के बाद दोबारा इस पानी से धोएं, फिर 10 मिनट तक ऐसे छोड़ दें और फिर हल्के गर्म पानी से सिर को साफ कर लें। जब बाल सूख जाएं तब उसमें कंघी करें, जिससे बाल कभी उलझेंगे नहीं और वह बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, त्वचा को भी कोमल बना देता है फटे दूध का पानी। इसे चेहरे को धोकर आप उसे मुलायम, टोन, नरम और साफ कर सकते हैं। अगर आपके पास बाथ टब है तो उसमें 1 या 2 कप इस पानी को मिलाएं और उसमें खुद को 20 मिनट तक डुबाए रखें, जिससे आपको बहुत सारे आयुर्वेदिक लाभ मिलेंगे। अगर आप अपने कुत्ते को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसको ये खिलाएं। अपने कुत्ते को एक्स्ट्रा प्रोटीन देने के लिए इसे खाने में मिक्स कर लें और उसे इसका ही सेवन करवाएं। इन्हीं घरेलू उपायों के अलावा एक उपाय और भी है जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी को सादे पानी के साथ मिलाकर पौधों को सींचें, यानी कि पौधों में डालें। इसे पानी में घोलकर प्रयोग करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इससे पौधे जल सकते हैं, जिससे पौधों को भी इससे बहुत ज़्यादा पोषण मिलेगा और वह बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये थे लाभ फटे दूध के पानी के। आप आने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।